हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं जेई के लिए मैथमेटिक्स। उसमें एक टॉपिक है कॉनिक सेक्शन, उसमें भी एक टॉपिक है इलिप्स, और इलिप्स में भी एक टॉपिक है जिसमें कि मैक्सिमम मिनिमम यानी कि डिफरेंशिएशन की जरूरत होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर मैक्सिमम बोला है या मिनिमम बोले तो आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जेनरली बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे समझ भी जाते हैं तो शायद कहीं कुछ कैलकुलेशन रह जाता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। ये आ चुका है जेई 2020 शिफ्ट 1 में आ चुका है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि आपके पास फ्लैट वाला इलिप्स है, ये वाला इलिप्स है आपके पास, और लेटर सेक्टम बोला गया है 10। तो लेटर सेक्टम तो हमें मालूम है क्या होता है, 2b² / a, दिस इज योर 10, यानी कि बी स्क्वायर मिल गया 5a। ये देखते हैं हम लोगों ने लिख डाला, जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना उसका यूज करेंगे। इसेंट्रिसिटी क्या बोला गया, मैक्सिमम वैल्यू। इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इसेंट्रिसिटी होगा, यानी कि ये आपको हिंट दे रहा है कि भाई इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लो, हम देंगे नहीं डायरेक्ट, ठीक है। तो हमारे स्किल्स को चेक करने के लिए बोला इसेंट्रिसिटी निकाल के दिखाओ, तो निकाल देते हैं। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -2t, और इसको 0 पुट करेंगे। मैंने समझाया हुआ है बच्चों को, शायद बच्चों को मालूम भी होगा जो जेई के लिए है कि डिफरेंशिएशन के लिए 0 पुट करना है तभी मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। तो यहाँ से पी की वैल्यू आएगी 1/2, इसको फिर आप डबल डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा -2, यानी कि नेगेटिव। हमें साइन से मतलब है, वैल्यू से नहीं। अगर नेगेटिव आता है तो यस, ये जो 5t है ये मैक्सिमम आएगा इस वैल्यू पे, ठीक है ना। तो 5t की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, 5t की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब आप t की वैल्यू 1/2 वहां पे डाल दोगे। तो यहाँ पे 1/2 डाल के आप सॉल्व कर लो, 5/12 प्लस 1/2 -1/4, इसको मिल गया आपको ये 2/3। तो इसेंट्रिसिटी आपको मिल गया 2/3, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी तो मालूम है अपन को, कौन सा फॉर्मूला, b² = a² - e², ये फॉर्मूला तो भूलना नहीं है, पापा मम्मी के नाम की तरह याद कर लो क्योंकि है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे वैल्यूज, e की वैल्यू कितना है, ये गिवन 1 - 4/9, ये क्या हो जाएगा 5/9। बी स्क्वायर को 5 है लिख दो आप यहाँ पर, बी स्क्वायर को 5a लिख दो, a और a तो गया, तो a क्या हो जाएगा आपके लिए 9, ये हो गया 9। चलो ये यहाँ 9 डाल दो तो 45, बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 45, ठीक। हमारे को क्या चाहिए, a² + b², a² यानी कि 81, b² + 45 126 आ गया, ठीक है ना। बड़ा इजी है, बड़ा मजेदार है। प्लीज मेक ए नोट, अगर आपको पसंद आया तो कमेंट जरूर करना बच्चों, और लाइक भी करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करो, आपको पूरा अपडेट मिलेगा डेली बेसिस पे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।